तो कैसे अपना कर सीखे। तो मुझे पता है कि तुम ना काफी टाइम से भाई सिंगल हो, तुम ना चाहते हो एक परफेक्ट डेट करना, चाहते हो नहीं चाहते? नहीं। और यार पता क्या, भगवान ने ना हमें इतना ज्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज्यादा सुंदर नहीं बनाया ना, मतलब हमसे कोई लड़की पड़ जाए। सो ब्यूटीफुल गर्ल यार, सॉरी वेरी स्वीट गर्ल। लेकिन तुम्हें ना मैं एक आज ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ कि तुम्हें ना देख के ऐसा ना अपने अंदर से मतलब खुशी महसूस होगी। चलो कम से कम हम डेट पे जाके इतना जलील तो नहीं हुए। तो भाई देखो आज हम एक शो देखने वाले जिसका नाम है डे टू डेट। वेलकम बैक टू डे टू डेट सीजन 3। भाई हाँ, ये बंदा शो का होस्ट। पागल बंदा, अब तुम समझ जाओगे कितना बकचोद शो होने वाला है। कुछ लोग पागल होते हैं, पर क्या वो पागल होते हैं जब उनको पता है कि वो पागल हैं? भाई जिस हिसाब से तो शीशे में अपने आप से बकचोदिया पेल रहा है ना भाई, क्लियरली लोगों को नहीं पता होता कि वो पागल है। मैं मिलने जा रहा हूँ रोमित से, मेरे साथ आइए। पर क्या वो पागल होते हैं जब उनको पता है कि वो पागल है? ये भाई, ये बैक प्रोफाइल देख के तुम समझ गए ना कि शो में कितने ज्यादा सेक्सी लोग आने वाले हैं। तुम में से किसी की भी ऐसी बैक प्रोफाइल नहीं है ना, या फिर इसके आसपास भी नहीं है, तो भाई तुम तो उम्मीद छोड़ दो भाई कि तुम्हें कभी लड़की मिलेगी भी। आई हाथ कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यूट बन रहा है। माय नेम इज रोमित शर्मा, आई लिव इन उत्तम नगर, आई एम 24 इयर्स ओल्ड। इस इंग्लिश में तुमने अगर माई सेल्फ सुना दिया ना, लड़की एकदम गिर जाएगी भाई हाथों में। ऐसा लड़का पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल सकता, इतना सीधा, इतना अच्छा, इतना प्यारा लड़का। भाई यार तुम्हें लगता है इतना प्यारा लड़का, इतना सुंदर, इतना सुशील तुम्हें कहीं कहीं मिलेगा? भाई पूरी दुनिया तो छोड़ो, तुम्हें पूरे वर्ल्ड में भी नहीं मिल सकता। भाई दुनिया पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल सकता, मेरे आसपास हजारों लड़कियां घूमती है, मेरे आगे पीछे नाचती है, सारी लड़कियां मुझे लाइक करते हैं। मतलब देख रहे हो तुम, इसके आसपास हजारों लड़कियां घूमती हैं भाई, इसके आसपास हजारों लड़कियां नाचती हैं भाई, मुजरा करती हैं भाई, घूमते मेरे आगे पीछे नाचती है। और ये क्या क्या हवस की पुजारी जैसा पोज बनाया इसने, और लड़के घूमते मेरे आसपास नाचती है वो। I'll give her an 8. शो में मेरे जैसे हीरो नहीं आएगा तो कौन आएगा यार? हीरो 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 बाकी तुम जो भी हो, कैसे भी आ रहा हूँ तुमसे मिले। भाई बहुत ही बड़ा बैठा है लौंडा तो। मॉर्निंग सर, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप कैसे? सच में यार, मतलब कितना स्मार्ट और डैशिंग है यार ये लौंडा भाई, कतई मतलब मैं खुद पिघल रहा हूँ इसके सामने। अबे लंदन में रहा भोसड़ी के। हाँ जा रहे हो? आओ मेरे पास। हाँ, डेट टू डेट पे मैं लड़की के साथ रोमांस। भाई ये बंदा कैसे गया इस बंदे के पास, जैसे पप्पी ले लेगा भी जाके उसकी। हाँ मैं डेट टू डेट पे ना रोमांस करने आऊँ। आपकी ये हाथ इतना इतना भाई, एक मुट्ठल से ना कभी मत पूछना कि उसके हाथ में इतना पसीना क्यों है। आई मीन इट इज अ टोटल डिसरिस्पेक्ट फॉर दैट मैन यार। अगर मैं लड़की हूँ तो मैं आई यहाँ पे, आप मुझे क्या बोल गए सबसे पहले? हाय कैसी हो तुम, और बताओ यहाँ पे क्या कर रही हो? व्हाट भाई, तुम किसी लड़की के साथ ना डेट पे जा रहे हो, तुम उसे जाके बोलते हो भाई क्या कर रही हो यहाँ पे, चलो घर चलो, क्या किसने बुलाया तुम्हें? बंदे के आगे पीछे कैसे नाचती है लड़कियां, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। प्लान क्या है वो बताओ। डिनर करेंगे हम दोनों, कैंडल फ्लावर्स होंगे उसके अंदर। हाँ, और उसके आसपास बैलून्स वगैरह होंगे। बैलून्स? हाँ। डेट पे जा रहा है, फिर किसी 5 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी में जा रहा है। चूहे कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। शेर कैसे शेर बनते हैं? शेर ऐसे। कैसी घिनौनी हरकतें कर रहा है बंदा यहाँ पे आके, मतलब कौन सा शेर ऐसी हरकतें करता है भाई। It's disgusting. What is that? What am I looking at? आपको लड़कियों में अगर कोई खूबियां ढूंढनी होगी तो वो किस तरह? स्माइल बहुत प्यारी होनी चाहिए, उसके नेल्स इतने प्यारे होने चाहिए, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसका फेस कलर अच्छा होना चाहिए, आईज सो ब्यूटीफुल होनी चाहिए। भाई जिस हिसाब से उस बंदे की शक्ल और हरकतें है ना, उस हिसाब से तो इस बंदे की खाली एक ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी कि भाई सिर्फ एक लड़की होनी चाहिए, वो सब चीज सारी ख्वाहिशें होनी चाहिए। भाई एक मिनट, क्या होनी चाहिए? सब चीज सारी ख्वाहिशें होनी चाहिए। ख्वाहिशें, ये क्या चीज होती है भाई? इस बंदे के वंडरलैंड में कुछ होता होगा भाई, ख्वाहिशें नाम की कोई चीज भाई लड़कियों के अंदर किधर चलेगा? तो लड़की नहीं चाहिए, लड़की चाहिए, मेन चीज तो लड़की चाहिए, मेन चीज तो लड़की चाहिए, लड़की मेन, लड़की मेन चीज है, लड़की लड़की मेन मुद्दा है, मेन चीज तो लड़की चाहिए। आपकी पहली मुलाकात होगी एक डार्क रूम में, हाँ वहाँ पे दो लड़कियाँ होंगी अंदर, ठीक है, आपको चूज करना होगा कि आप। भाई सोच के देखो, इस बंदे को दो लड़कियाँ मिल रही है भाई, समझ रहे हो भाई, इस बंदे को चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है भाई, लाइफ कितनी अनफेयर नहीं है यार हमारे साथ। बात तो सही है, डार्क रूम में बहुत अंधेरा था, बहुत ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था। तो भाई मतलब कैसा डार्क रूम है, मतलब वो लड़कियां उस बंदे को साफ साफ देख पा रही है, लेकिन ये बंदा भाई भैंस की एक दीवार के अंदर ही घुसे जा रहा है। श्वेता क्या कर रहे हो भाई? बंदे ने लिटरली वो क्वेश्चन कर लिया भाई बंदी से, भाई कितना चूतड़ दिमाग है भाई ये। अरे मेरे भाई तो डेट पर है किसी लड़की के साथ, ये थोड़ा ना पूछेगा तो उससे क्या क्या कर रही है। चे, चे।
से। तुम कितनी प्यारी हो, सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी प्यारी, कितनी स्वीट सी हो तुम, मेरे दिल में आवाज आ गई तुम्हारे लिए। बंदे ने अंधेरे में बता दिया कि वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। भाई सच में ये लड़कियां ना भाई मतलब बड़ी खतरे में है, मतलब बाबा राम रहीम से भी ज्यादा खतरनाक बंदा लग रहा है मेरे को। कोई दिल की नजर से देखेगा तो कोई यहाँ भी बैठा है। हाँ ये बंदी किसको बुला रही है भाई, वो दिल की नजर से नहीं देखता, वो हवस की नजर से देखता है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। भाई अभी तक तो ये बंदा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोल रहा था, अब तो उसको प्यार भी हो गया भाई, वो भी बिना देखे। जादूगर है क्या, तेरे घर पे जादूगर आया था क्या, तेरी माँ गई थी जादूगर के पास? सो ब्यूटीफुल होने चाहिए उसकी आईज, सो ब्यूटीफुल उसके फिंगर्स जो होते हैं, उसके नेल्स जो होते हैं, सो ब्यूटीफुल होने चाहिए। पक्का ये बंदा तीन चार लाइनें याद करके आया, उसमें ना ब्यूटीफुल तो भाई मैंडेटरी है कि ये बंदा बोलेगा ही बोलेगा। लड़की ना बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसकी आईज बड़ी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसके फिंगर्स बड़े ब्यूटीफुल होने चाहिए, उसके हेयर बड़े ब्यूटीफुल होने चाहिए, मतलब लड़की ना ब्यूटीफुल होनी चाहिए। मेरा ऐसा लड़का पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता तुम भाई। वैसे ये बात तो, वैसे इतना चूतल बंदा पूरी दुनिया में होगा तो नहीं। भाई ये ब्यूटीफुल, भाई जब जब ये बंदा ब्यूटीफुल बोलता है ना, मेरे दिल का छेद ना और बड़ा हो जाता है। भाई तुम उस बंदे की शक्ल देख के बता सकते हो कि वो बंदा कितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस टाइम। मतलब बंदा अपनी 35 साल की जिंदगी में पहली बार दो लड़कियों के साथ बैठा था इतना क्लोज होकर, और ये बंदा आके बीच में उसको उठा लाया। इस समय मैं रोमित भाई के मन में बस यही चल रहा है कि इसको मैं दो चार गालियां भग दूं। तो अब मिलने जा रहे हैं आपकी रिजेक्टेड लड़की। यार इस बंदे ने एक बंदी को रिजेक्ट किया भाई, इस बंदे ने भाई एक बंदी को रिजेक्ट किया भाई। आइए मुझे रिजेक्ट करने वाले, तो सॉरी यार मैं अगर उसने मुझे हाँ किया होता डेट पे तो मैं उसको देख कर ना कर देती। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है, मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता। बेवकूफ, वेरी बैड गर्ल है। पर जो आपकी डेट है वो अभी आपको नहीं मिलेगी, कि वो अब आगे गई हुई है जहाँ पे उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल डेट तैयार किया है। इस बंदे के लिए यार लड़कियाँ स्पेशल डेट तैयार कर रही है भाई। थोड़ी सी एरोगेंट, थोड़ी सी वियर्ड, मुझे डोमिनेट करना हर किसी के बस की बात नहीं। पागल सा हो गया, बुखला सा गया, सबसे ज्यादा प्यारी वही लग रही थी मुझे, इतनी खूबसूरत लग रही थी, सो ब्यूटीफुल गर्ल। इसका ब्यूटीफुल को इसके अंदर डाल दो भाई, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। क्या है, दो दो लड़कियाँ यहाँ पर भी, दो दो लड़कियाँ मेले तो आ रखी है, आप इतने बड़े स्टार की आ रखी है दोनों लड़कियाँ। क्या लगी फिल्म है भाई ये बंदा। रोमित भाई बस थम जाओ भाई, थम जाओ भाई, तुम यही थम जाओ बस, इससे आगे मत बढ़ो भाई। तुम मेरे शर्ट उठाने लगे, मेरे हाथ पकड़ने लगे, मेरे इतने करीब आ गए, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करने लगे, ये पूछो मैं खुशी के मारे इतना पागल हो गया, बौखला गया। बंदा ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि दारू पी के बैठा है। दीपिका मेरे पास आ गई, मेरी शर्ट उठाने लगी, मेरी बेल दाल सिंगाने लगी, दीपिका मेरे पास आ गई, मेरी शर्ट उठाने लगी, मुझे इतना ब्यूटीफुल फील हो रहा था, मतलब मैं तो बौखला सा गया था, मतलब मैं पागल हो गया था एकदम। आई अगर इस बंदे ने एक और बार ब्यूटीफुल बोला ना, ब्यूटीफुल है, वेरी नाइस है। मार्केट, तुम जैसी सो ब्यूटीफुल गर्ल यार, तुम जैसी लड़की तो मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। अबे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं, तू लड़का है, प्यार करने का मतलब होता है इजहार कर दिया, ठीक है, भीख नहीं मांगनी अल्लाह के नाम में, तुम प्यार कर दो, दे दे भीख कर मांग, भीख कर मांग। व्हाई आर वी स्टिल हियर Just to suffer. मतलब पहले वही लड़के वो भी इसको जलील करके गई, चार गालियां भी बक्के गई, बेवकूफ। अब ये बंदी भी इसको जलील कर रही है यहाँ पे बिठा बिठा के, भीख नहीं मांगनी अल्लाह के नाम में, मतलब प्यार कर, इतना बेटर परफॉर्मेंस दिया, अब पता नहीं क्या हो गया उसको, मुझे समझाने लगी, जो भी बोलती है बोलती है, बोलता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट खत्म करना है, आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी होगी, उसके जूते उतार के उसकी मोजों को सूंघना होगा। अगर आप उसको पसंद करती हो और आपको सबको यू नो प्यार की परीक्षा देनी है, तो आप उसको प्यारी सी पप्पी दे दो। क्यूट हो, इसको देखिए, आई रियली वांट टू गिव यू अ गिफ्ट। हम बोलो तेरा पसीना पे भोकड़ी ना गया, इधर आ। बंदी ने लिटरली उस बंदे के पसीनों वाले गालों पे पप्पी दे दी भाई, और उसके बाद एक्सप्रेशन देखो भाई कैसे दे रही है। भाई नहीं था तो वो जुराब सूंघ लेती भाई। नाइस।
यार आज की वीडियो में मैं होप करता हूं तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें दो तीन चीजें याद रखने के, एक तो तुम्हें इंग्लिश में माइसेल्फ सुनाना है, और तुम्हें एक लड़की को कम से कम ब्यूटीफुल 10-20 बार बोलना दिन में। सो ब्यूटीफुल गर्ल इंपॉर्टेंट चीज की तुम्हारी भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आई डोंट वांट टू सी योर फेस अगेन। थैंक यू। अब तुम जरूर एक बंदी बना सकते हो। ठीक है भाई, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूं कि तुम लोग मुझे अगली वीडियो से सिग्नल की जगह मिंगल मिलोगे रोहित भाई की टिप्स फॉलो करके। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। अरे देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तो गर्मा गर्म नान खटाई ही खानी है। अजी सुनते हो, देखो आपका बेटा कह रहा है कि मेरठ की मशहूर नान खटाई बिस्किट ही खाने हैं। अरे तो इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है, मैं अभी मेरठ की मशहूर गर्मा